हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे IAS PCS प्रीलिम्स के लिए टॉप क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और उन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 8 टेस्ट हम लोग लगा चुके हैं, ये आपका 9वां टेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। गलत है। क्या है, गलत है। विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। गलत है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी या फिर वह सहमति को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के में पास नहीं के पास नहीं भेज सकता है। तो याद रखिए आपके तीनों गलत कथन गलत हैं। सही क्या है, संशोधन संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक या प्रस्ताव को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, याद रखिए संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिए। दूसरा कथन का क्या था, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, याद रखना विधेयक को विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों का बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में पारित किया जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, विधेयक को विशेष बहुमत से सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 सदस्यों का बहुमत से संसद पास होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। तीसरा कथन है आपका, राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी यदि यह यथोचित विधायिकाओं द्वारा विधिवत पारित किया गया हो। वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, ना ही संसद के लिए पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है। ठीक है, तो पहले में आपका तीनों कथन गलत थे, उपयुक्त में से कोई सही नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों पर विचार करना है आपको। क्या करना है, विचार करना है। 101वां संविधान संशोधन, भारत द्वारा राज्य क्षेत्रों के अधिग्रहण और बांग्लादेश को राज्य क्षेत्रों के हस्तांतरण को भावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया। गलत है। 100वां संशोधन, वस्तु सेवा एवं सेवा GST को लागू करने के लिए है। यह भी गलत है आपका। ठीक, सबसे पहले याद रखिए इसमें दोनों कथन आपके गलत हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत की बांग्लादेश से सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, भूमि सीमा साझा करते हैं ये दोनों देश। याद रखना बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्यों की, पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से सीमा लगती है, असम की, त्रिपुरा की और मेघालय की, मिजोरम की। ठीक, याद रखना है। 7 मई 2015 को भारतीय संसद ने 119वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2013 पारित किया, जो राष्ट्रपति की सहमति के बाद संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम 2015 के रूप में सामने आया। यह संविधान संशोधन विधेयक दोनों देशों द्वारा अधिकृत किए गए विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करता है। तो 100वां आपका संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के से संबंधित है। ठीक है, और फिर आपका 101वां है, जो इसका उद्देश्य है, ये 2016 के तहत संशोधन किया गया,
संविधान में 246(1) केंद्र और राज्यों को जीएसटी कर लगाने एवं एकत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, याद रखना ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों कथन गलत थे, सी ऑप्शन था। क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्वेश्चन तीसरा क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था, सही है। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इस परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं, ये भी सही है। यानी कि आपके तीनों कथन सही है। क्या होगा इसका, होगा आपका डी, तीसरे का डी होगा। ठीक है, याद रखना है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है आपका चार, ग्रेट प्रशांत कचरा फैज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। यह उत्तरी प्रशांत में संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर अवस्थित है, सही है। दूसरा कथन है आपका, महासागर ज्वार प्रवाह महासागर में कचरा फेंच के संचय के लिए जिम्मेदार है, गलत है। यह विश्व भर के महासागरों का एकमात्र कचरा फेंच है, ये भी गलत है। तो इसमें केवल आपका एक कथन सही है। ठीक है, क्या है, ग्रेट प्रशांत कचरा फेंच उत्तरी प्रशांत महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर हवाई और कैलिफोर्निया के बीच स्थित है, एवं आपका कथन एक सही है। कचरा पैच महासागर ज्वार भाटे के कारण नहीं बनते हैं, बल्कि महासागरीय चक्र गति के कारण बनते हैं। महासागरीय ग्रेस चक्र गति महासागरीय धाराओं के परिसंचरण की बड़ी प्रणाली है, 5 प्रमुख की होती हैं चक्र गति, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर चक्र गति होती हैं। ठीक है, याद रखना है। चक्र गति समुद्र जल के परिसंचरण में सहायक होती हैं। समुद्र जल के परिसंचरण के दौरान ये तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को भी बहा लेती हैं। ठीक है, ग्रेट प्रशांत कचरा पैंच विश्व में एकमात्र कचरा पैंच नहीं है, ग्रेट प्रशांत कचरा पैंच विश्व में एकमात्र कचरा पैंच नहीं है। हिंद सागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्रमशः हिंद महासागर कचरा पैंच और उत्तरी अटलांटिक कचरा पैंच नामक दो और कचरा पैंच हैं, याद रखना है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट व्यवस्था से 29 द्वीपों को बाहर करने का निर्णय लिया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के हटने से दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर प्रशांत के साथ भारत की भागीदारी में वृद्धि होगी, सही है। अफगानिस्तान, चीन तथा पाकिस्तान के नागरिकों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता जारी रहेगी, सही है। आपके दोनों कथन सही है। ठीक है, तो पाँच का क्या होगा, सी, क्या होगा पाँच का सी, दोनों कथन सही है। फिर है आपका क्वेश्चन छः, क्वेश्चन सिक्स है, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये ना तो संविधानिक निकाय हैं और ना ही सांविधिक, सही बात है, गलत है ये कथन। ठीक है, प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। फिर तीसरा, इसकी सिफारिश परामर्श प्रकृति की होती है, तीसरा कथन आपका सही है। कथन एक, कथन दो आपके गलत हैं, केवल तीसरा कथन सही है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो इसमें सही नहीं है एक और दो कथन, याद रखिए। क्या रखना है आपको याद, क्षेत्रीय परिषदें जो परिषदें हैं ये सांविधिक संस्थाएं हैं, याद रखना है, संविधानिक नहीं है।
ये संसद के एक अधिनियम यथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित की गई हैं। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक संस्थाएं हैं। ये संसद के अधिनियम यथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है, याद रखिए। और इसका अध्यक्ष होता है जो केंद्र सरकार का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। और इनकी सिफारिशें परामर्शीय प्रकृति की होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन क्या है 7, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के न्याय निर्णय के लिए स्थायी अधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, गलत है। अधिकरण का निर्णय विवाद में शामिल पक्षों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा, ये सही है। इसमें केवल आपका 2 कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवादों में न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। इस प्रावधान के अधीन संसद में 2 कानून बनाए गए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी, याद रखना स्थायी नहीं, अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है, याद रखना है आपको। जैसे कि आपके अब तक केंद्र सरकार 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कर चुकी है, कौन कौन से, पहला था कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में, ये संबंधित थी महाराष्ट्र राज्य से, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। दूसरा है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, ये थी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित, ठीक है। तीसरा है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969, यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से। फिर है आपकी रावी तथा ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण 1986, ये आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से। पांचवी है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990, ये आपकी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी से संबंधित। फिर आपकी द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2004, ये आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से संबंधित। फिर वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010, ये आपकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तीसरी महादई जल विवाद न्यायाधिकरण 2010, ये आपकी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन अगला है आपका 8, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की का अधिक प्राधिकार प्रदान करती है, तो याद रखना है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद के से अनुरोध करते हैं, सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन के लिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान, ये भी सही है। जब राज्यसभा साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है, ये गलत है, ठीक है, याद रखना। इसमें आपके 1, 2, 3 कथन सही हैं। फोर्थ नंबर का कथन में क्या होगा, जब राज्यसभा कोई संकल्प पारित करती है, यदि राज्यसभा घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद के को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने हेतु अधिकार संपन्न हो जाती है। इस प्रकार का संकल्प उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 भाग द्वारा समर्थित होना चाहिए। संकल्प 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होगा, इससे कितनी भी बार नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष में 1 बार से अधिक ऐसा नहीं हो सकता। यदि लागू होने के 6 महीने बाद संकल्प समाप्त हो जाता है, तो इससे संबंधित कानून का प्रावधान भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है आपका 9, क्या है 9, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है, कोई अखिल भारतीय सेवा
किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? तो यह आपका बी ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 312, संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने के संबंध में संसद को अधिग्रहित करता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है आपका अगला 10। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 10 है आपका, भारतीय संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। भारतीय संसद व्यवस्था में संदर्भ में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास, स्पीकर के पास लोकसभा। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है आपका 11। क्या है क्वेश्चन 11? क्या है धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है, सही है। इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक को नकार नहीं सकती है, लेकिन इसमें संशोधन कर लोकसभा को वापस भेज सकती है, ये गलत है। तो इसमें केवल एक और दो कथन आपके सही हैं, तीसरा कथन गलत क्यों है? तो याद रखना है, राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती, तो 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। ठीक है, और अगर 14 दिन के बाद वह वापस नहीं करती है तो उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। ठीक है, इसके पास संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यसभा को। क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन क्या है 12? संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है इसमें, यदि किसी विधेयक के संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों के मध्य असहमति हो तो इसे आहूत किया जाता है, सही बात है। यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकृत किया जाए तो इसे बुलाया जा सकता है बैठक को, सही बात है। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, एक गलत है आपका। कौन करता है इसकी बैठक की अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता, वो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तीसरा, चौथा कथन है, यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पास किए बिना 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए तो इसे बुलाया जा सकता है, सही है। इसकी संसद की संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना है, इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन आपका 13। क्वेश्चन क्या है 13? वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका? वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से और अंत 31 मार्च से होता है, ये सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की सिफारिश पर वर्ष 1921 में रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया था, आपका ये गलत है। सामान्यतः फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये भी गलत है। इसमें ये केवल आपका एक कथन सही है। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का एक महत्वपूर्ण है, याद रखिए, बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। ठीक है, याद रखना है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। ठीक है, और याद रखना, भारत सरकार के दो बजट होते थे पहले, ठीक है, रेलवे बजट और आम बजट। पहले बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय व्यय विवरण होता था। रेलवे बजट का को आम बजट से एक वर्ष समिति के सिफारिश पर 1921 में पृथक किया गया था, हालांकि इसे अब पुनः समाहित कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 14। क्वेश्चन क्या है, याद रखिए, इसमें एक है केवल सही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, सही है।
संसद केवल विनियोग विधेयक को पारित करने करके कर में कटौती अथवा खारिज कर सकती है, ये गलत है आपका। ठीक है, इसमें क्या होगा, सही क्या होगा, संसद केवल विनियोग विधेयक को पारित होना संविधान में व्यवस्था की गई है। भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। तदनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है ताकि धन को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सके सके लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान, भारत की संचित निधि पर भारत व्यय। ठीक है, याद रखना है आपको। बजट को पास करने के संबंध में दोनों सदनों की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित है, सही है। भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं की जा सकती, ये सही है। तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन बी गलत है। ठीक है, याद रखिए क्या है, बी गलत है। क्वेश्चन है आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय व्यय भारत व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, भारत व्यय के बारे में। भारत की संचित निधि से लिए गए व्यय पर संसद में मतदान किया जा सकता है, गलत है। भारत की संचित निधि पर भारत व्यय पर केवल चर्चा की जा सकती है लेकिन इस पर मतदान नहीं किया जा सकता, ये आपका सही है। तो इसमें केवल दो कथन सही है। बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारत व्यय, दूसरा होता है भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। भारत व्यय के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता है अर्थात इस पर चर्चा होती है केवल जब अन्य प्रकार का मतदान कराया जाता है। ठीक है, अब आपको बता दें भारत व्यय की सूची निम्नानुसार, राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते, उनके कार्यालय के अन्य व्यय, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मिकों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भी शामिल होते हैं, ऐसे ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज निक्षेप निधि भारत और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा पर ऋण मोचन से संबंधित किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंगर की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय। ठीक है, ये सभी आते हैं भारत व्यय में। क्वेश्चन है 16 आपका, क्वेश्चन क्या है 16, वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कटौती प्रस्ताव नहीं है, तो याद रखना बी ऑप्शन होगा, असहमति कटौती प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव कौन कौन से, साधारण कटौती, घटकों में कटौती और कंगारू कटौती, ग्लोटिन प्रस्ताव, ठीक तीनों हैं, मितव्ययता कटौती, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। ठीक है, याद रखिए 16 का आपका बी है। क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कथनों में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में सही है, तो याद रखना है कौन सा सही है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विशिष्ट परिषदों की स्थापना कर सकता है, सही है। परिषद की सिफारिश परामर्शी प्रकृति की होती हैं, दोनों कथन आपके सही है, 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन 18 क्या है, यह यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला 11वां संरक्षित जैव मंडल बन गया है। यह विश्व के सबसे ऊंचे पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। इसमें उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय से आर्कटिक तक के विभिन्न पारिस्थितिक
विविधता की एक श्रृंखला शामिल है। इस उद्यान पार्क में कई ग्लेशियर उपस्थित हैं, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध जेमू ग्लेशियर है। यह निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल है? तो याद रखना कंचनजंगा। क्या है? डी ऑप्शन सही है, कंचनजंगा। 18 का डी है, याद रखिए। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, वहीं डली हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निर्यात मित्तैव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह केवल देश के निर्यातकों के लिए है, गलत है। इसे नीति आयोग के प्रौद्योगिकी विंग द्वारा विकसित किया गया है, ये भी गलत है। यानी कि आपका सी ऑप्शन होगा इसमें, ना तो एक सही है और ना ही बी दो सही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने देश के निर्यातकों और आयातकों के लिए निर्यात मित्र मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इस ऐप को भारतीय निर्यातक महासंघ द्वारा विकसित किया गया है, याद रखना। इस ऐप को भारतीय निर्यातक महासंघ द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, और ये ऐप निर्यातकों और आयातकों के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। RUCO पहल प्रयुक्त कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में संग्रहित और रूपांतरित करने में सक्षम है, होगी, ये भी सही है। पुनः उपयोग किए जाने वाले कुकिंग ऑयल उसमें मुक्त मूलकों के निर्मित हो जाने के कारण हानिकारक हो जाते हैं, ये भी सही है। आपके दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों आपके सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 21 अगला, सेवा भोज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना है, गलत है। इस योजना का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों को चावल घी जैसे कच्चे माल मुक्त प्रदान करना, ये भी गलत है। यानी कि ना तो एक सही है आपका और ना ही दो। इसमें सही क्या है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने नई योजना सेवा भोज योजना की शुरुआत की है, जिसकी कुल लागत वित्तीय वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए थी 325 करोड़, ठीक है, याद रखना। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने, याद रखना है। और इस योजना के तहत भोजन प्रसाद लंगर भंडारे के लिए घी तेल आटा मैदा रवा चावल दाल चीनी गुड़ जैसी कच्ची सामग्रियों की खरीदारी पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का केंद्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है 22, क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, गलत है। इसका गठन पूंछी आयोग की सिफारिशों पर के आधार पर किया गया था, ये भी कथन आपका गलत है। अनुच्छेद 263 में राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय बढ़ाने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, ना कि प्रधानमंत्री, याद रखिए। और सरकारिया आयोग 1983 की सिफारिश पर 1990 में भारत सरकार द्वारा पहली अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ना तो एक आपका सही था और ना ही दो, डी ऑप्शन था। क्वेश्चन है 23वां, मेंढक की एक आक्रामक प्रजाति हाल ही में देखी गई, इंडियन बुल फ्रॉग समाचारों में थी, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह मुख्य रूप से जलीय प्राणी है जो ताजे पानी की आर्द्रभूमि में रहता है, सही है। यह प्रजाति अंडमान और निकोबार द्वीप की स्थानिक है जो पूरे भारत में पाई जाती है, ये गलत है आपका, ठीक है। सही क्या है? बॉल फ्रॉग मुख्यतः भारतीय भूमि में क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन अभी अंडमान निकोबार और द्वीप के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र में शामिल हो गए हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है। जहां एक और मुख्य भूमि से भिन्न द्वीपों के संसाधन बड़े जानवरों के लिए कम पड़ते हैं, वहीं द्वीपों पर प्राकृतिक आपदाएं भी अक्सर घटित होती रहती हैं, ठीक है। इसमें क्या था? केवल एक कथन आपका सही था। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किन देशों में मध्य
नया कैस्पियन सागर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो याद रखना, नया कैस्पियन सागर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं आपके अजरबैजान, ईरान और रूस द्वारा। क्या है? 1, 2, 5 इसमें सही है। क्या होगा? एक ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है 25, लास्ट वाला। हाल ही में एक दूरस्थ रेडियो गैलेक्सी खोजी गई, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी खोज हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से की गई है, ये गलत है। रेडियो गैलेक्सी ऐसी गैलेक्सी होती है जिसके केंद्र में विशाल का कृष्ण वेवर पाया जाता है, ये कथन है। आपका केवल 2 कथन सही है, ठीक है, ये कथन गलत है। खगोलविदों ने भारतीय दूरबीन जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे की सहायता से अब तक का ज्ञात सबसे दूरस्थ रेडियो आकाशगंगा की खोज की है, याद रखना। ठीक है, तो ये थे आपके 25 टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हम लोग अन्य क्वेश्चंस देखेंगे उनके आंसर्स।